पापा मेरे बिल्ली को भूख लगी है, इसके पेट में कुछ डालो ना। अच्छा तो आपके बिल्ली को भूख लगी है, देखते हैं मेरे पास आपकी बिल्ली की भूख मिटाने के लिए क्या है। मेरे पास तो कुछ नहीं है अब। हाँ लेकिन आपके बिल्ली की भूख मिटाने के लिए मेरे पास बहुत सारा खाना है। नहीं आप गलत हो, टीचर आपको एक भी साल नहीं देगी। क्यों? अंदर वन भी लिखा है, इसके अंदर जीरो भी लिखा है और जीरो लिखा है। पिगी में कॉइन डालते हैं, वो एक भी होता है, टू भी होता है और फाइव भी होता है और बहुत सारे आते आते हैं। तो आपको वेट करना पड़ेगा शाम तक। आप अभी ये पिगी को खिला दो और फिर बाद में पिगी के पेट में बहुत सारे कॉइन्स बन जाएंगे मैजिक से। सच्ची? उच्ची। बुआ ये मेरी मम्मा की सीट है। ऐसा कुछ भी नहीं है नेहा, बैठ जाओ यहाँ पे, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी ये टेबल तो फैमिली मेंबर्स के लिए है ना, और मैं तो अब इस परिवार का हिस्सा भी नहीं आज एक बहुत बड़ा राज फाश होगा। आज हमें पता चलेगा कि मेरी बहन नेहा को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, सबसे ज्यादा उसके दिल के करीब क्या है बचपन से आज तक। टन टन ये सब आम पापा। राज फाश हो चुका है और नेहा के मुंह में घुल रहा है। कैसा चल रहा है सब, घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है। इतने दिनों बाद आई है घर, ठीक से बताना अपने भाई को क्या हो रहा है घर में, क्या हाल चाल है, सब बताना दिल खोल के। घर का फ्यूज उड़ गया था कल रात को, अब वापस लग गया है और दो दिन से मेड भी नहीं आ रही थी, वो भी आ गई है, तो ओवरऑल ना सब कुछ ठीक है। ओके नेहा, मैं कह रहा था अच्छी बात है ना, सब कुछ ठीक है, अच्छी बात है। और रणवीर वो कैसा है? यहाँ आने के बाद बात हुई उससे तेरी? नहीं हुई। हम कोई न्यूली वेड कपल की तरह नहीं है जो सारा टाइम एक साथ चिपके ही रहेंगे। अरे वो अपने काम में बिजी और मैं अपनी माँ के घर आई हूँ, नहीं आ सकती थी क्या? मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता आप लोगों को ये क्यों लगता है कि मेरी जिंदगी में हमेशा दुख भरा ही कुछ चल रहा होगा। अरे आप लोग मुझे जज क्यों करते रहते हैं? मामी जी, मामा जी आइए। नेहा बेटा, इतने दिनों के आफ्टर आइए, फिर ऐसे एंग्री पक्षी की तरह क्यों हो रही है? सुनी तेरे मन की बात, पर ऐसा मत सोच बेटा, इस घर में सभी चाहते हैं कि तू खुश रहे। हाँ और यहाँ तुझे कोई जज नहीं कर रहा है। तुझे पता है क्या, मैंने बाहर गार्डन में कुछ नए पौधे उगाए हैं, तुझे बहुत पसंद आएंगे, चल दिखाता हूँ। आ जा। आयुष का प्लान ट्री बन जाएगा और मेरा प्लान छोटा ही रहेगा। सोहा हर प्लान डिफरेंट होता है ना, कोई ट्री बन जाता है, कोई छोटा रह जाता है, लेकिन दे ऑल इक्वली ब्यूटीफुल। सोहा आपकी मम्मा बिल्कुल सही कह रही है आपसे, पौधा कोई भी हो अपने आप में खास होता है, पौधा कोई भी हो ख्याल तो हमें सबका बराबर रखना पड़ेगा।
तभी जाके हर पौधे में अच्छे अच्छे फल फूल और सब्जियां आती है ना। हाँ, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका शुरू से ही ख्याल नहीं रखा जाता। उन्हें वैसा प्यार नहीं मिलता, किसी केयर नहीं मिलती और बड़े होके वैसे पौधे किसी काम के नहीं रहते। और ना ही किसी को उन पौधों से कोई मतलब होता है, है ना माँ? माँ, तूने ही तो कहा था ना कि उसकी बातों को दिल पर मत ले, तो तू भी मत ले ना। चलो बच्चों, हाथ खराब हो गए ना, आजा सो, आजा लाडो रानी, आजा तुम लोगों के हाथ साफ कर देती हूँ। शायद मैं गलत टाइम पे आ गई। संजना, संजना तुम यहाँ? कुछ काम था तो फोन कर देती ना। हाँ, लेकिन दर्द का इलाज फोन पे तो नहीं हो सकता था ना सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.